वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी डेली चल रही है करंट रिवीजन की क्लास। लाइव क्लास मिलती है आपको 9 बजे और डेली सुबह 9 बजे क्लास मिलती है करंट रिवीजन महत्वपूर्ण क्लास 2021 की डेली क्लासेस। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए राजस्थान और इंडिया का करंट बहुत ही ज़रूरी है। उसका रिवीजन पिछले 6 महीने का मैं छोटी छोटी क्लासों में आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाइए। तो आज हम बात करेंगे 20 नंबर पार्ट की। 19 मैंने उपलब्ध करवा दिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्टें बनी हुई है, वहाँ जाकर वो सारे आप वीडियो देख सकते हो। तो आज हम ओनली बात करेंगे करंट राजस्थान करंट रिवीजन की, जो नवंबर सितंबर है वहाँ तक उसमें हमें छोटी छोटी क्लासों में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैंने उपलब्ध करवा दी धीरे धीरे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 30 सितंबर 2021 को जारी अधिसूचना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एवं सोशल साइंसेज की स्थापना घोषणा की गई है? तो कहाँ की गई है? जयपुर में। कहाँ पर की गई है? जयपुर में की गई है। और PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। शाम तक इसकी PDF आपको मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखो, 21 नवंबर 2021 को पुनर्गठित राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री यानी कि स्कूल शिक्षा कैबिनेट में कौन बनाए गए हैं? तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं BD कल्ला। कौन बना चुके हैं? BD कल्ला को 21 नवंबर 2021 को पुनर्गठित सरकार द्वारा इनको नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन RICO द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन RICO स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? कारोली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी अलवर में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, कारोली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी अलवर में पहला औद्योगिक जोन RICO स्थापित किया जाएगा। अगला देखो, अक्टूबर 2021 को तत्कालिक विश्व प्रसिद्ध मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर द्वारा जारी की गई वर्ल्ड बेस्ट 25 सिटी की रैंकिंग में राजस्थान के कौन से जिले शामिल किए गए हैं? तो ध्यान रखना, 25 सिटी की रैंकिंग में राजस्थान के कौन से जिले शामिल हैं? तो उदयपुर और जयपुर। ऑप्शन नंबर 3 कौन से हैं? उदयपुर और जयपुर को इसमें शामिल किया गया है। अगला देखो, 1 अक्टूबर 2021 को वन और पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है? सुखराम बिश्नोई द्वारा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा ताल छापर चुरू में। कहाँ पे किया गया है? ताल छापर चुरू में। अभी पर्यावरण हमारे राज्य मंत्री हैं सुखराम बिश्नोई, इनके द्वारा अभी ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस प्रेशर स्विंग एडोप्शन यानी कि ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो प्रदेश के किस प्रदेश में किया है ये ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन? तो इसका आंसर हो जाएगा गणगौरी अस्पताल जयपुर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गणगौरी अस्पताल जयपुर में अभी क्या है? ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। कब? 7 अक्टूबर 2021 को। अगला देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखना, PM मित्र योजना। किसको दी है? PM मित्र योजना को मंजूरी दी है। अगला देखो, हाल ही में निम्नलिखित में से जयपुर जिले का चोप गांव चर्चा में रहा है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? बहुत बार चर्चा में आ चुका है, सबके लिए आपको डेली आपको करंट में बताया जाता है। तो जयपुर जिले का चोप गांव बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि चोप गांव में भारत का दूसरा नहीं ये तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये चोप गांव भारत का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा बनने जा रहा है, और इसका निर्माण गुजरात के मोटेरा के अनुरूप किया जाएगा, और इस स्टेडियम हेतु 100 एकड़ जमीन आवंटित भी की गई है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। तो ये चर्चा में इसका रहने का कारण है। अगला देखो, राज्य सरकार ने राजस्थान की किस झील के विकास व संरक्षण हेतु झील प्रबंध एजेंसी का गठन करे? देश की चौथी झील प्रबंध एजेंसी के निर्माण हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सांभर झील प्रबंध एजेंसी, नंबर ऑप्शन 1। कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। तो सांभर झील प्रबंध एजेंसी इसके क्या विकास और संरक्षण के लिए क्या है? चौथी झील प्रबंध एजेंसी के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
अगला देखो, प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सांगानेर हवाई अड्डे की जिम्मेदारी अब निजी क्षेत्र के किस समूह के पास रहेगी? तो ये रहेगी अंडानी, ऑप्शन नंबर दो अंडानी के पास रहेगी। जो प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सांगानेर जयपुर है ना, वहाँ पर हवाई अड्डे की जो जिम्मेदारी है अब निजी क्षेत्र के अंडानी समूह के पास रहेगी। अगला देखो, प्रदेश के कौन से जिले यूरेनियम खनन के लिए जाने जाते हैं? ये चर्चा में है थोड़ी अब है, तो ध्यान रखना सीकर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर तीन, एक व दो दोनों जो क्या है यूरेनियम खनन के लिए जाने जाते हैं, सीकर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर एक व दो दोनों हो जाएगा। प्रदेश के किस स्थान पर पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनने जा रहा है? प्रदेश के किस स्थान पर पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनने जा रहा है? वो बनने जा रहा है किशनगढ़ अजमेर में, यहाँ पे बनने जा रहा है किशनगढ़ अजमेर में ये बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा पहली बार स्थापित किए जा रहे 25,000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 25,000 जो सोलर प्रोजेक्ट हैं उनको कहाँ विकसित किया जा रहा है? बीकानेर में। कहाँ विकसित किया जा रहा है? बीकानेर क्षेत्र में। अगला देखो, 14 नवंबर 2021 को बाल दिवस के अवसर पर, ध्यान रखना 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, उसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में देश की किस विधानसभा में प्रथम बार बाल सत्र का आयोजन किया गया? तो ध्यान रखना राजस्थान विधानसभा में। किस राज्य में? राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें पहली बार बाल दिवस के अवसर पर बाल सत्र का आयोजन किया गया। कब है? 14 नवंबर 2021 को। अगला देखो, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपोर्ट एंड कॉन्क्लेव में राजस्थान को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसमें किस में दिया गया है? मेलों और उत्सवों के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। इसमें मेले और उत्सवों के क्षेत्र में बिजनेस टू बिजनेस में अभी राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देखो, अम्बेडकर DBT वाउचर योजना के विषय में कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे अम्बेडकर DBT वाउचर योजना के विषय में कथन आपको बताना भी कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों कथन सही है, यानी कि एक और दो इसके दोनों सही है। लाभार्थी छात्रों को संभाग मुख्यालय पर आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 7,000 रुपये इसमें प्रतिमाह देने होंगे, 7,000 रुपये देंगे। जिला मुख्यालय के लिए 5,000 प्रतिमाह दे होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर तीन उपयुक्त ये दोनों कथन सही है। तो ये था वीडियो हमारा छोटा सा, आपको मैंने अपलोड करवा दिया। डेली आपको मिलती है सुबह 9 बजे राजस्थान करंट की। अब मैं रिवीजन स्टार्ट कर दिए, तो आप लगातार इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।